ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পাশ করাতে হবে এই দাবি জানিয়ে রাস্তা অবরোধ করলো উচ্চ মাধ্যমিকের ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা। সোমবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের রেলপার হাজী কদম স্কুল, রহমানিয়া হাই স্কুল সহ কয়েকটি স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আসানসোল বাসস্ট্যান্ড অবরোধ করে। তাদের অভিযোগ, ইংরাজি বিভাগে কিভাবে এত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফেল করতে পারে। তাদের দাবি, অবিলম্বে তাদের পাশ করাতে হবে। फिर भी है ना, नंबर अच्छा नहीं मिला हम लोग को, नंबर चाहिए हम लोग अच्छा। अभी क्यों आप लोग ये रास्ता जाम क्यों कर रहे हैं? नंबर चाहिए हम लोग, सब अच्छे से लिखे हैं, सब नंबर चाहिए हम लोग, प्रोजेक्ट सब अच्छे से रात रात बार बना कर अच्छे से दिए, फिर भी हम लोग नंबर अच्छा नहीं मिला है। सब नंबर चाहिए हम लोग को, सब इतने लड़के को किसी को फेल करना चाहिए, एक दो फेल तो होता है, सबको नहीं होता है फेल। रहमानिया हाई स्कूल से आयशा खातून। स्टूडेंट एग्जाम दिया रोजा रख के, ऊपर से सब स्टूडेंट इंग्लिश में कैसे फेल हो सकता है? जितना स्टूडेंट है इंग्लिश में ही कम पार्ट है, अदर सब्जेक्ट में बहुत कम है जा रहा है, जैसे जितना स्टूडेंट सब इंग्लिश में है ना है। वजह क्या है कि इंग्लिश में इतना कम पार्ट होने का? और हम लोग वही तो वजह है, एक तो एग्जाम में इतना हुआ कि दो साल से पढ़ाई नहीं हुआ। अगर दो नंबर तीन नंबर अगर माने कि कम भी आता है तो दो नंबर तीन नंबर आदमी जोड़ेगा। रमज़ान में दो साल पढ़ाई नहीं करा के एग्ज़ाम लेगा आदमी, फिर भी उसमें दो तीन नंबर जोड़ेगा, और स्कूल जाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो मेरा नाम एमडी अरबाज है। हम लोग आए हैं इस वजह से कि मेरा नंबर 317 आया, ठीक है, इसमें फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, तो इसमें इंग्लिश में फेल करने का कारण क्या है ये बता सकते हैं? सरकार से हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग को पास किया जाए, ठीक है। मेरा 317 नंबर आके इसमें तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न होकर भी मतलब कि हम लोग फेल हो गए, ये सब लोग हम लोग का सब स्कूल का जो टॉपर बच्चा है वो फेल हो गया। इस वजह से इतना बच्चा फेल होने का, दो साल तो कोरोना काल की वजह से पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ाई ना होने के बाद भी इस तरह से फेल किया जाएगा तो बच्चा किस तरह से पढ़ेगा? अगर वो नहीं पढ़ना है, अगर सरकार चाहता है कि बच्चा जाहिल मरे, तो सरकार को चाहिए कि स्कूल बंद करा दे हमेशा के लिए, वो स्कूल को बंद करना ज़रूरी है। अब कौन स्कूल से हैं? हम आसनसोल रेल पार ओके रोड हाजी कदम स्कूल से हैं। ये आप लोग रास्ता अवरोध क्यों किए? रास्ता अवरोध इसलिए कि इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि हम लोग का रिजल्ट इतना ख़राब आया है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को बोलने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है। और हम लोग का स्कूल में कांटेक्ट कर रहे हैं तो स्कूल वाला बोल रहा है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू करा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग इसमें क्या करें आप बता सकते हो? आसनसोल थेके सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट आनंद बार्ता।